नमस्कार बच्चों, SCERT द्वारा संचालित पढ़ई तुम्हार द्वार की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं श्रीमती ममता यादव, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला चंदखुरी फार्म, ब्लॉक आरंग से। आज हम लोग विज्ञान में कक्षा 7वीं में पाठ 13 सजीवों में परिवहन के बारे में जानेंगे। सजीवों में परिवहन, इसमें परिवहन जो है, परिवहन का क्या अर्थ होता है? परिवहन मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। जैसे आपके घरों में पानी आता है ना? पानी कहाँ से आता है? नल के द्वारा आता है। आजकल गांव में बड़ी बड़ी टंकियां हैं और उस टंकियों से घरों तक पानी किसके माध्यम से पहुंचाया जाता है? पाइपलाइन के द्वारा पहुंचाया जाता है। तो ये क्या हो गया? दैनिक जीवन में पानी का परिवहन, मतलब पानी को टंकी से घरों घर घर तक पहुंचाने पहुंचाना जो है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाना, वो क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। अब सजीवों में परिवहन किस तरीके से होता है, ये हम इस पाठ में जानेंगे। तो सजीवों में, जैसे कि सजीवों को दो वर्गों में बांटा गया है, पेड़ पौधे और सभी जीव जंतु। सबसे पहले बच्चे हम लोग देखेंगे कि पौधों में परिवहन किस तरह से होता है। पौधे जो है, पौधों की जड़ों में जब हम पानी डालते हैं, है ना, पौधे सूखने वाले रहते हैं। अभी गर्मियों के दिन में जल्दी सूख जाते हैं। जमीन में जैसे हम पानी डालते हैं, उसके बाद आप देखे होंगे कि थोड़ी देर में क्या होता है, पौधा फिर से हरा दिखाई देने लगता है। तो ये किस तरीके से होता है, इसको हम देखते हैं। पौधों में परिवहन, पौधे की जड़ों से पानी और खनिज लवणों का अवशोषण करती है और ये तने के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दैनिक जीवन में हमको पानी मिलता है तो हम पाइप से लेते हैं पानी को। अब पेड़ पौधों में तो हमको पाइप दिखता नहीं है, है ना? जब आप ऊतक पात पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे कि उसमें दो तरह के ऊतक पाए जाते हैं पेड़ पौधों में, एक तो जाइलम और दूसरा फ्लोएम। ये दोनों ऊतक जो है, ये क्या करते हैं, संवहन का कार्य करते हैं। मतलब पेड़ पौधों में परिवहन का जो कार्य होता है, पानी को पौधों के तनों पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य, और पत्तियों में बने जो भोज्य पदार्थ हैं उसको पौधे के निचले हिस्से, शाखाओं, तने और जड़ों तक पहुंचाने का जो कार्य होता है, इन दो ऊतकों के द्वारा किया जाता है। तो पौधों में पाया जाने वाला जो ये दो ऊतक है, एक है जलवाहिनी जिसको जाइलम कहा जाता है, और दूसरा है रसवाहिनी जिसको फ्लोएम कहा जाता है। इन दोनों के द्वारा ही संवहन का कार्य किया जाता है। जाइलम क्या करता है, जब जब हम पौधों की जड़ों में पानी डालते हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, है ना, तो वहां तक पानी पहुंचाने का कार्य क्या करता है, ये जाइलम करता है। जाइलम जो है पानी को पौधे के ऊपरी हिस्से तक पहुंचाता है। उसी तरीके से पत्तियों में बना जो भोज्य पदार्थ है, वह दूसरा ऊतक फ्लोयम या रसवाहिनी, इसके द्वारा पौधे के सभी भागों तक पहुंचाया जाता है। तो इस तरह से पौधों में पानी का और भोज्य पदार्थों का संवहन जो है, नीचे से ऊपर की ओर और ऊपर से नीचे की ओर होता है। इसको हम इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। इस चित्र में दिखाया गया है, देखिए दोनों, पहले चित्र में दिखाया गया है पौधों में रस परिवहन, पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो बना भोज्य पदार्थ है ना, वो कैसे तनों के द्वारा होते हुए तनों से आगे नीचे जड़ों तक पहुंचाया जाता है। कौन से ऊतक के द्वारा पहुंचाया जाता है? ये रसवाहिनी या फ्लोएम के द्वारा। और दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं पौधों में जल परिवहन। जल या पानी हम किस में डालते हैं? जड़ों में डालते हैं। तो जड़ों में डाला गया जो पानी है, वो पौधे के ऊपरी हिस्से, शाखाओं, पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य कौन सा ऊतक करता है? जलवाहिनी या जाइलम करता है। तो इस तरीके से पौधों में जो परिवहन की क्रिया है वो होती है। पौधों में जाइलम की उपस्थिति को समझने के लिए एक सामान्य सा प्रयोग हम करके देख सकते हैं घर पे। इसके लिए हमको आवश्यक सामग्री चाहिए होगी, कांच का गिलास, सेफ्रेनिन या लाल स्याही घर में रहता है ना, चिरैया या कोई भी कोमल पौधे वाला तना लेते हैं हम और उसको काट लेते हैं। उसको फिर क्या करते हैं, कांच के गिलास में पानी लेते हैं, उसमें लाल स्याही की कुछ बूंदें डाल देते हैं और जो कोमल तना हमने लिया है पौधे का, उसको डाल देते हैं। कुछ समय तक उसको रख देते हैं।
कुछ घंटों बाद हम देखेंगे उसमें क्या परिणाम दिखाई देगा हमको। वो जो तना है नीचे डूबा है वो तो लाल दिखाई देगा ही, उसका ऊपरी हिस्सा आप देखेंगे तो वो भी थोड़ा थोड़ा लाल दिखाई देता है। तो ये प्रयोग हमको क्या बताता है कि जो जाइलम है वो लाल रंग के पानी को ऊपर की ओर तने के ऊपरी भाग में पहुंचा रहा है। ये हम इस चित्र में इसको हम समझ सकते हैं। ये प्रयोग बच्चों आप घर में भी करके देख सकते हो, लाल स्याही आपके पास अवेलेबल रहता है ना। देखिए इसमें एक कांच का गिलास लिए हैं और उसमें एक कोमल तने वाली शाखा को डुबा दिए, कुछ घंटे तक इसको डुबा के रखे। उसके बाद हम देखते हैं 2-3 घंटों में तो हमको ऊपरी हिस्से में भी जो तना है हरा रंग है वो हल्का लाल दिखाई देता है। तो ये प्रयोग जो है वो साइलम की उपस्थिति को सिद्ध करता है। और भी एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, जैसे कि आप लोग देखे होंगे गेहूं या धान की फसल जो है उगाते हैं तो उसके पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, या फिर घर में भी कोई पौधा लगाए रहते हैं हम तो उसकी पत्तियां क्या होती हैं पीली दिखने लगती है। तो उसमें क्या करते हैं हम खाद डाल देते हैं, खाद और पानी डालते हैं। उसके बाद कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि उसकी पत्तियां क्या हो जाती हैं, हरी हो जाती हैं। तो ये किस कारण से होता है, जो हमने खाद और पानी जड़ पे डाला ना वो जाइलम ऊतक के द्वारा पौधे के ऊपरी हिस्से तक पहुंच जाता है। तो इस तरह से पानी का यहाँ पे क्या होता है, पानी और खनिज लवण का संवहन होता है और पौधे हरे हो जाते हैं। दूसरा उदाहरण जो है फ्लोएम को समझने के लिए है। फ्लोएम जो है पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन है, उसको पौधे के सभी हिस्सों तक पहुंचाता है, तनों तक, शाखाओं तक और जड़ों तक। तो जो आलू है, गाजर, मूली, जिमीकंद है, ये सब जो हम खाते हैं ना सब्जियों में, ये वास्तव में पत्तियों में बना वाला जो भोजन है वो परिवहन के द्वारा जड़ों की ओर जाता है और पौधों के भूमिगत भाग में जा करके जमा हो जाता है। सालू को भी मिट्टी से ही निकालते हैं ना, जमीन के अंदर से निकालते हैं। गाजर, मूली, सब आप लोग देखते होंगे गाँव में तो ये सब उगाया जाता है, तो ये सब मिट्टी के अंदर से निकाला जाता है। तो ये क्या होता है, ऊपर में जन पत्तियों में बना जो भोज्य पदार्थ है वो संवहन के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा भूमि में इकट्ठा हो जाता है। तो ये क्या है, ये दोनों जो उदाहरण है वो संवहन को स्पष्ट करते हैं, जाइलम और फ्लोएम के द्वारा किस तरह से संवहन क्रिया कराई जाती है। इसके बाद हो गया पौधों में संवहन किस तरह से होता है, आपको समझ में आ गया होगा है ना। वो पौधों में परिवहन जो है या पदार्थों का संवहन इन दो मुख्य ऊतकों के द्वारा किया जाता है। पाइपलाइन का क्या काम कौन करते हैं, ये दोनों ऊतक करते हैं। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं जंतुओं में परिवहन। जितने भी जंतु हैं छोटे से लेकर के बड़े, छोटे सूक्ष्म जीव से लेकर के बड़े जंतु, उनके शरीर में भी किसी न किसी तरह से कई सारी चीजों का परिवहन होता है। तो जैविक क्रियाएं जो होती हैं इनके लिए, इनको करने के लिए प्रत्येक जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब जैविक क्रियाएं कौन सी हैं, जो हम श्वसन लेते हैं है ना, जो हमारे शरीर के अंदर पाचन क्रिया होती है और जो उत्सर्जन क्रिया होती है, ये सारी क्रियाएं जैविक क्रियाएं कहलाती हैं। तो इन क्रियाओं को करने के लिए हमको क्या क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा हमको कहाँ से मिलती है, भोजन से मिलती है। पाचन अंगों द्वारा पचा हुआ भोजन पूरे शरीर में भेजा जाता है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं उसका पाचन होता है और पाचन के द्वारा ही हमको क्या होती है, ऊर्जा मिलती है। तो ये पूरे शरीर में ऊर्जा किस तरीके से, हम खाते हैं तो हम मुंह से खाते हैं और सीधे पाचक अंग तक जाता है भोजन, उसके बाद उसका क्या होता है, तो ये शरीर में कैसे भेजा जाता है तथा अपशिष्ट और उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाया जाता है। इस प्रकार शरीर के सभी अंगों को श्वसन के लिए लगातार ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मतलब हमारे शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती है सबके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये कैसे एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचते हैं, ये जो क्या कहलाता है, जंतुओं में परिवहन कहलाता है। साथ ही इन अंगों में श्वसन क्रिया के द्वारा लगातार कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है, जिसको श्वसन के समय नाक से बाहर निकाला जाता है। श्वसन लेते हैं जब हम तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है उस क्रिया के दौरान बाहर निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है।
कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हानिकारक होती है, इसको शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है, और इसका अर्थ यह है कि जीवों के शरीर में विभिन्न पदार्थों का किसी न किसी तरह से परिवहन होता है ना। ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, ये क्या है, एक परिवहन है। तो जीवों में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव मतलब जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए क्या करना पड़ता है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र का उपयोग करना पड़ता है। ऐसे जीव सूक्ष्मदर्शी कहलाते हैं, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म जीव कुछ आप लोग पढ़े होंगे, जैसे अमीबा है, पैरामिशियम है, ये इतने छोटे होते हैं कि हम इनको ऐसे ही नहीं देख सकते, है ना। और ये अधिकांशतः पानी में पाए जाते हैं। तो इनमें किस तरह से पदार्थों का परिवहन होता है, मतलब किस तरह ये अपने शरीर के अंदर अपने लिए आवश्यक पदार्थों को लेते हैं और किस तरीके से बाहर निकालते हैं, तो इनमें ये क्रिया इनके शरीर में पाए जाने वाले दीवाल जो है ना, एक आवरण पाया जाता है। ये सभी एक कोश की जीव है, मतलब इनका शरीर केवल एक कोशिका से पाया जाता है। इनमें हम बहुकोश की जीव जैसे मुंह अलग से नहीं पाया जाता, खाना खाने के लिए, चलने के लिए पैर नहीं पाया जाता, इनका जो आवरण है वही कई तरह से बदल के इन सारी क्रियाओं को करता है। तो अमीबा पैरामिशियम जो है, ये सूक्ष्म जीव, इनमें पदार्थों का परिवहन विसरण क्रिया द्वारा होता है, इनके शरीर के बाहरी आवरण के द्वारा ही पदार्थों का आदान प्रदान होता है। इसके बाद मनुष्य में देखते हैं, मनुष्य में पदार्थों का परिवहन किस तरह से होता है। मनुष्य में विभिन्न पदार्थों का परिवहन का काम जो है मुख्य रूप से रक्त करता है। रक्त या ब्लड, ये जो है एक तरह का संयोजी ऊतक है, ये केवल तरल पदार्थ ही नहीं होता है ना। देखते हैं तरल लगता है जरूर, मगर ये तरल पदार्थ नहीं होता। जो रक्त है इसकी पतली सी तह को लेकर के, कुछ बूंदों को लेकर के अगर हम सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं तो इसमें बहुत से कण दिखाई देते हैं, और ये कण वास्तव में कोशिकाएं होती हैं जो प्लाज्मा में तैरते रहती हैं। जो रक्त की कोशिका है इसमें जो प्लाज्मा पाया जाता है, इसमें प्लाज्मा का जो तरल भाग होता है इसमें 92% पानी होता है, और बाकी 8% भाग जो है वो भोज्य पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ और खनिज लवण होते हैं, जिनका परिवहन विभिन्न कोशिकाओं में और शरीर के विभिन्न भागों में रक्त के द्वारा किया जाता है। रक्त कोशिका को देखें, अगर हम साइड से देखते हैं तो उसमें मुख्य रूप से तीन प्रकार की कोशिकाएं दिखाई देती हैं। पहली है लाल रक्त कणिकाएं, दूसरी श्वेत रक्त कणिकाएं, और तीसरी है प्लेटलेट्स। रक्त इन तीन कणिकाओं से या तीन पदार्थों से मिलके बना होता है। पहला पदार्थ है इसमें रक्त में पाया जाने वाला लाल रक्त कणिका। लाल रक्त कणिका नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये लाल रंग की कोशिकाएं होती हैं, और इसमें एक मुख्य पदार्थ पाया जाता है, एक जटिल पदार्थ पाया जाता है जिसको हीमोग्लोबिन कहा जाता है, और उसके कारण से इसका रंग लाल दिखाई देता है। ये आकार में छोटे होते हैं और संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए रक्त का रंग लाल होता है। इन लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य होता है अधिक, ये इनकी संख्या अधिक होने के कारण ये शरीर में अधिक ऑक्सीजन को ले सकते हैं। रक्त में पाया जाने वाला दूसरा कणिका या दूसरा कोशिका है श्वेत रक्त कणिकाएं। ये कणिकाएं जो है रंगहीन होती हैं, आकार में बड़ी होती हैं, और ये शरीर में रोगाणु, जीवाणु या अन्य बाहरी पदार्थ को प्रवेश करने से रोकती है और उनको नष्ट करती है, इसलिए श्वेत रक्त कणिकाओं को शरीर का रक्षक भी कहा जाता है। तीसरा होता है इसमें प्लेटलेट्स। बच्चों आप देखे होंगे कि आपको चोट लग जाती है और अगर खून बहते रहता है तो कुछ समय बाद क्या होता है, वो खून जमने लगता है। तो ये जो खून का जमना है ना, खून में पाए जाने वाले या रक्त में पाए जाने वाले इन प्लेटलेट्स के ही कारण होता है। रक्त के जमने का कारण रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स है। ये लाल रक्त कणिकाओं से संख्या में कम होते हैं, और इनका मुख्य कार्य क्या होता है, जैसे ही ब्लड बहना चालू होता है शरीर के किसी भाग से, कट जाने से या चोट लग जाने से, तो ये तुरंत क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं, जो ब्लड का थक्का जमना भी कहते हैं।
ये जो चित्र है बच्चों आप देखिए, ये रक्त का चित्र है। रक्त में पाया जाने वाली तीनों कणिकाएं किस तरह से दिखती हैं, देखिए। लाल रक्त कणिकाएं संख्याओं में बड़ी हैं और आकार में थोड़ी छोटी हैं, और जो बड़े बड़े आकार की कणिकाएं हैं वो श्वेत रक्त कणिकाएं, जो क्या होती हैं, रंगहीन होती हैं। और इनका क्या कार्य बताया, रक्षक का कार्य करते हैं। ये जो रोगाणु जीवाणु आते हैं उनको मारने का, या शरीर में प्रवेश करते ही उनको खाने का कार्य करते हैं। और तीसरी जो कणिकाएं हैं प्लेटलेट्स, ये थक्का जमाने का, रक्त को थक्का जमाने का कार्य करते हैं। इस तरह से रक्त में तीन प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं। अब इसके बाद देखते हैं परिवहन या परिसंचरण तंत्र जीवों में। तो परिवहन तंत्र का, जैसे कि शुरू में मैंने आपको बताया कि पानी को कहीं से सप्लाई करना है, तो किसी जगह से क्या करते हैं, किसी जगह बड़ा टंकी बना है और वहां से फिर सप्लाई करते हैं, पाइपलाइन के द्वारा सप्लाई करते हैं। वैसे ही हमारे शरीर में हृदय जो है वो मुख्य तंत्र होता है परिवहन का, और वहाँ से पूरे शरीर में रक्त का जो है वो परिवहन किया जाता है। तो यहाँ पे हृदय क्या हुआ, बड़ा पानी का टंकी हुआ, और उसके द्वारा जो ब्लड है पूरे शरीर में पहुँचाया जाना, जैसे कि दैनिक जीवन में पाइपलाइनों के द्वारा फैलाया जाता है, पानी को पहुँचाया जाता है, वैसे ही हृदय में, हृदय से जुड़ी हुई दो नलिकाएं पाई जाती हैं छोटी छोटी, जिनको, जिनके द्वारा ब्लड जो है, रक्त जो है वो पूरे शरीर में फैलाया जाता है। ये दोनों नलिकाओं का क्या नाम है, एक तो एक को कहा जाता है धमनी और दूसरे को कहा जाता है सिरा। तो हृदय क्या हो गया, पानी का टंकी हो गया, और जो धमनी और सिरा है वो क्या हो गई, नलिकाएं हो गई, जो पूरे शरीर में फैली हुई है और ब्लड को हृदय से पूरे शरीर में फैलाती है या पहुंचाती है या परिवहन करती है। हृदय परिवहन तंत्र का प्रमुख अंग है। ऑक्सीजन युक्त रक्त धमनियों के द्वारा हृदय से बाहर जाता है। धमनियों की शाखाएं जैसे जैसे ऊतकों में फैलती हैं वे छोटी और पतली होती जाती हैं, जिन्हें रक्त केशिकाएं कहा जाता है। तो जो हृदय है, हृदय से जुड़ा हुआ धमनी होता है, और धमनी आगे चल के पूरे शरीर में और छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है, जिनको क्या कहा जाता है, रक्त केशिकाएं कहा जाता है। ये रक्त केशिकाएं कोशिका के संपर्क में आती है और रक्त को क्या करती है, कोशिकाओं के बीच फैलाती है, मतलब कोशिकाओं के बीच उनका यहीं से ही आदान प्रदान होता है। सीरा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हृदय से दो नलिकाएं निकलती हैं, एक तो धमनी और दूसरी सिरा। सिरा भी क्या करती है, सिरा जो है वो, ये भी पूरे शरीर में फैली हुई है जाल के रूप में, और अंगों से जो ऑक्सीजन विहीन रक्त होता है उसको ये हृदय तक पहुंचाने का काम करती है। रक्त कोशिकाएं आपस में मिलके मोटी वाहिनी बनाती हैं, जिनको सिरा कहते हैं, और इनका कार्य क्या होता है, कम ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सारे भागों से एकत्र करके हृदय तक ले जाने का कार्य करती है। अब इसके बाद बच्चों देखते हैं खुला और बंद परिसंचरण तंत्र क्या है। नाम से स्पष्ट हो रहा है खुला और बंद। कुछ जीव हैं जिनमें हृदय और रक्त नलिकाओं का अभाव होता है, उनमें हृदय और रक्त नलिकाएं नहीं पाती, मतलब रक्त क्या होता है, सीधे कोशिकाओं के संपर्क में आता है और उनका परिसंचरण होता है, आदान प्रदान होता है, तो इसको कहा जाता है खुला परिसंचरण तंत्र। मतलब सीधे सीधे शब्दों में ये कहें, जिन जीवों में पाइपलाइन नहीं पाया जाता है, रक्त नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं, उनमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है, और जिनमें रक्त का बहाव बंद नलिकाओं में होता है उसको बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिभाषित कर सकते हैं इसको, कुछ जीवों में हृदय व रक्त नलिकाओं का अभाव होता है और रक्त सीधे कोशिकाओं के संपर्क में आता है, इसको खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ये अधिकांश, जितने भी कीट हम देखते हैं उन सभी में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और जितने भी कशेरुकी जंतु, जो हड्डियों वाले जंतु हैं, बड़े जंतु हैं, उनमें
रक्त हृदय द्वारा पंप किया जाता है और इन्हीं धमनी और शिरा नलिकाओं के द्वारा पूरे शरीर में प्रवाहित किया जाता है। इस तरह की जो क्रिया है इसको बंद परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। धमनी और शिरा में अंतर देखें, धमनी और शिरा दोनों क्या करते हैं, रक्त का परिवहन करते हैं। एक जो है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में फैलाता है धमनी, और शिरा क्या करता है कम ऑक्सीजन युक्त या ऑक्सीजन विहीन रक्त को वापस हृदय में पंप करने के लिए लाता है। तो दोनों में अंतर क्या है, धमनी की दीवार जो है वो मोटी होती है जबकि शिरा की दीवार धमनी की दीवार से पतली होती है। धमनी अंदर से सक्रिय होती है और शिरा अंदर से चौड़ी होती है। धमनी की दीवार मोटी होने के कारण इसमें रक्त न होने पर भी ये पिचकती नहीं है, और शिरा की दीवार पतली होती है जिसके कारण से रक्त न होने पर ये पिचक जाता है। धमनी चूंकि इसकी दीवार मोटी है इसलिए इसमें रक्त तेज गति से और झटके के साथ बहता है, और शिरा में रक्त धीमी गति से बहता है, इसमें कोई झटका वगैरह नहीं रहता क्योंकि इसकी दीवार क्या होती पतली होती है। इसके बाद रक्तचाप या ब्लड प्रेशर, इन नलिकाओं में धमनी और शिरा में ब्लड का जो बहाव होता है उसी के कारण ही रक्तचाप या ब्लड प्रेशर होता है। ये धमनियों में रक्त का दबाव है जिसको विशेष यंत्र के द्वारा नापते हैं, जिसको रक्तचाप मापक यंत्र या ब्लड प्रेशर मापक यंत्र या स्फाइग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। आप डॉक्टर के पास जाते होंगे, आपके दादा या पापा के साथ देखे होंगे आप कि मतलब ब्लड प्रेशर होता है, आजकल कॉमन हो गया है एक एज के बाद ब्लड प्रेशर होना, तो उसको चेक करवाने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एक तरह के यंत्र से उसको चेक करते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर या रक्तचाप है वो कितना होना चाहिए, 80 से 120 मिलीमीटर के बीच होना चाहिए। उसके बाद है नाड़ी स्पंदन और नाड़ी स्पंदन दर। आपको जैसे बुखार आ जाता है आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या करते हैं आपकी नाड़ी को देखते हैं, टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मामीटर देते हैं और नाड़ी को चेक करते हैं। नाड़ी में जो धक धक की आवाज़ आती है वही क्या कहलाता है, नाड़ी स्पंदन कहलाता है। धक धक करना जो है वो क्या कहलाता है, स्पंदन कहलाता है। नाड़ी स्पंदन की दर डॉक्टर कैसे मापते हैं, 1 मिनट में प्रति मिनट स्पंदन की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। मतलब 1 मिनट में आपकी नाड़ी को छूने से वो कितने बार धक धक करता है, स्पंदन करता है, ये नाड़ी स्पंदन दर कहलाता है। नॉर्मल अवस्था में, विश्राम अवस्था में किसी वयस्क व्यक्ति की जो स्पंदन दर होती है वो प्रति मिनट 72 से 80 मिनट होती है। आप करके देख सकते हैं, 1 मिनट का टाइमिंग देखिए और आप अपनी नाड़ी को, बाएं हाथ की नाड़ी को छू के देखिए दबा के अंगूठे से, तो 1 मिनट में आप उसको काउंट कर सकते हैं कि कितने बार स्पंदन हो रहा है, जो धक धक की आवाज आती है वो कितने बार हो रही है। तो ये क्या कहलाता है, नाड़ी स्पंदन दर कहलाता है। एक चीज और है बच्चों, जब कभी एक्सीडेंट हो जाता है या कोई बीमार व्यक्ति है उसको जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि इसको ब्लड लगेगा, है ना, ब्लड चढ़ाना, या हिंदी में इसको कहा जाता है रक्तदान। तो क्या करते हैं डॉक्टर, उनको रक्त चढ़ाते हैं, लेकिन उसके लिए भी उस जो बीमार व्यक्ति है उसका रक्त और जो देने वाला व्यक्ति है उसका रक्त, उस वो दोनों मैच होना चाहिए तभी ब्लड चढ़ाया जाता है। इस क्रिया में जो ब्लड देने वाला होता है उसको दाता कहा जाता है और जो ब्लड ग्रहण करता है बीमार व्यक्ति उसको ग्राही कहा जाता है। तो ये ब्लड चढ़ाना या रक्तदान कहलाता है। इसके बाद देखते हैं हम हृदय की संरचना। हृदय जो है इसका आकार बंद मुट्ठी के समान होता है। अब अगर अगर हम अपनी मुट्ठी को बंद करें तो जो आकार बनता है हृदय का आकार उतना ही बड़ा होता है। यहाँ पे हम दो चित्र देख रहे हैं, मनुष्य का हृदय का बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना। बाह्य संरचना को देखेंगे हम बाहर से तो हृदय 4 भागों में बटा दिखाई देता है, अलिंद 2 भाग में और निलय 2 भाग में। ऊपरी भाग अलिंद कहलाता है, दाई तरफ है वो दाया अलिंद, बाई तरफ है वो बाया अलिंद, और निचला भाग जो है वो
निलय कहलाता है। ये भी दाएं तरफ है वो दायां निलय और बाईं तरफ वाला माया निलय कहलाता है। अब हृदय की आंतरिक संरचना को हम देखेंगे तो आप देख रहे हैं ऊपर में फेफड़ों से लिखा हुआ है अंगों की ओर, है ना। तो ये दोनों क्या है, धमनियां है, ये दोनों धमनियां हैं। फेफड़ों से जो है वो ऑक्सीजन आ रहा है हृदय में, उसके बाद यहाँ पे रक्त के साथ मिल जा रहा है और उसके बाद अंगों की ओर जा रहा है, ये धमनी के द्वारा जा रहा है ना। ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड फेफड़ों से ऑक्सीजन श्वसन क्रिया द्वारा हुआ, ऑक्सीजन जो है वो हृदय में आया, अलिंद से होते हुए निलय में आया, निलय से होते हुआ हुए अंगों के द्वारा, अंगों की ओर लिखा हुआ है, ये क्या है, धमनी है। तो धमनी से अंगों की ओर ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो है वो पूरे शरीर में जाया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे फेफड़ों की ओर और उसके नीचे लिखा हुआ है अंगों से, यहाँ पे अंगों से आया हुआ जो ऑक्सीजन विहीन या कम ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है वो अंगों से होते हुए दाया अलिंद में आ रहा है, दाया अलिंद से दाया निलय में जा रहा है और दाया निलय से होते हुए फिर से फेफड़ों की ओर जा रहा है। तो इस तरह से ब्लड जो है ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो फेफड़ों से ऑक्सीजन आके ऑक्सीजन मिलता है हृदय में और उसके द्वारा पंप होके धमनी के द्वारा पूरे अंगों तक फैलाया जाता है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं जिसमें पूरे अंगों से ऑक्सीजन कम ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है वो अलिंद से होके निलय से होते हुए फेफड़ों की ओर पंप किया जा रहा है। इस तरह से पंपिंग किया जाता है। मनुष्य में रक्त परिवहन को रेखा चित्र के द्वारा भी हम देखें तो हृदय में आप देख रहे हैं हृदय से जो लाल वाला हिस्सा है वहां से वो धमनी है सारी, और धमनी से कैसे यकृत में, छोटी आंत में, वृक्क में और पैर में ब्लड जा रहा है ऑक्सीजन वाला, ये दिखा रहा है। और यहाँ से जो नीला वाला हिस्सा निकला हुआ है हृदय का नीला वाला भाग है वो कम ऑक्सीजन युक्त ब्लड है, वो सिराओं सिराओं के द्वारा कैसे हृदय में लाया जा रहा है। यकृत से देख रहे हैं आप एरो मार्क बना है, फिर वृक्क से बना है, फिर पैर से बना है, ये सभी क्या है, कम ऑक्सीजन युक्त ब्लड हैं जो सिराओं के द्वारा हृदय में ले जाया जा रहा है। और हृदय से फिर कहाँ जा रहा है, आप देख रहे होंगे चित्र में फेफड़े की ओर है ना, तो वो फेफड़े में जाया जा रहा है, फेफड़े से फिर ऑक्सीजन युक्त हो रहा है और वहां से फिर से धमनी में हृदय में आके फिर शरीर के सभी अंगों में पहुंचाया जा रहा है। इस तरह से हृदय में ब्लड का क्या हो रहा है, पंपिंग हो रहा है, इसलिए हमको उसके स्पंदन की आवाज़ जो है वो सुनाई जाती देती है, जिसको हम क्या कहते हैं, हृदय का धड़कना कहते हैं। हृदय की आकृति को देखें हमने, हृदय वक्ष गुहा में छोटी में थोड़ी बाई ओर स्थित होता है और इसका आकार बंद मुट्ठी के बराबर होता है। यह दोहरे हृदय आवरण से ढका होता है। हृदय आवरण की दो तहों के मध्य एक तरल पदार्थ भरा होता है जो किसी धक्के या दुर्घटना से बचाता है। हृदय हृदपेशियों से बना होता है जो लगातार बिना रुके कार्य करते हैं। इस एक पेशी पट से हृदय दो भागों में बटा होता है, चित्र में हमने देखा, और फिर से वो दो भाग पुनः दो भागों में बट जाते हैं, जिसको दायालिंद बायालिंद दाया निलय बाया निलय ऐसा करके हृदय को चार भागों में ये बांटता है। हृदय की कार्य विधि क्या है, कैसे कार्य करता है ये, वो फेफड़ों से लाया गया ऑक्सीजन युक्त रक्त बाएं निलय से धमनियों के द्वारा शरीर के भागों में भेजा जाता है और शरीर के सभी भागों से लाया गया कम ऑक्सीजन युक्त रक्त सिराओं से अलिंद में पहुंचाया जाता है, जहां से रक्त को पुनः अधिक ऑक्सीजन युक्त होने के लिए फेफड़ों में भेज दिया जाता है। इस तरह से रक्त के द्वारा जो है हृदय के द्वारा रक्त का परिवहन शरीर के सभी भागों में किया जाता है। बच्चों आज हमने क्या सीखा, सजीवों में परिवहन कैसे होता है वो हमने जाना है ना, पौधों में कैसे होता है
और जंतुओं में कैसे होता है, जंतुओं में भी सूक्ष्म जीवों में और जो कशेरुकी बड़े जंतु हैं उनमें किस तरीके से होता है, सब हमने जाना है ना। तो आप कुछ क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसको सॉल्व करिएगा। पहला क्वेश्चन है, पौधों में संवहन के लिए कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं? दूसरा क्वेश्चन है, हृदय की संरचना, हृदय की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, धमनी और सिरा में अंतर बताइए। रक्त किन किन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, चित्र के द्वारा समझाइए। और अगला क्वेश्चन है, जाइलम की उपस्थिति को प्रयोग के द्वारा समझाइए। लेकिन